वैसे तो मैं बनाता हूँ एक्सप्रेस के लिए बनाता हूँ, लेकिन ये मैं सोशल मीडिया के लिए बना रहा हूँ अपने चैनल के लिए। आप वहीं खड़े थे ना अभी थोड़ी देर पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, गुड होंगे, बेहतरीन होंगे। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों को महमूदाबाद नंबर 6 पर लेके आया हूँ। और लास्ट टाइम जब आप लोगों को अपडेट मिल गई होगी, बहुत सारे चैनल्स ने अपडेट करी थी कि ये एजुकेटर स्कूल जिसको जिसका एक थोड़ा सा हिस्सा जो है नाले के करीब आ गया था, जिसको मसमार करना था, और वो अब कर दिया गया है। और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि बिल्कुल ही नाले के करीब था। मेरा कैमरा मैन आ गया है, मैं आपको ये पुलिया दिखाऊं और पुलिया के साथ जो जो काम हो रहा है वो मैं आप लोगों को आगाही दूं कि भाई ये देख सकते हैं आप कि ये इतना हिस्सा जो है वो इनका स्कूल का गेट था, और स्कूल का गेट और पुलिया साथ में जो बच्चे यहाँ से क्रॉस करके जाते थे और अपना स्कूल में इन होते थे, आउट होते थे। और ये थोड़ी सी बाउंड्री इन्होंने खींची हुई थी जो कि पुलिया टाइप का बनाया हुआ था इन्होंने अपना, और थोड़ा सा गेट भी इनका नाले के पास आ रहा था, तो जो जिसको बसमार करा गया, बस इतना हिस्सा इनका बसमार करा गया। लेकिन मेरी नज़र जो है वो इसका सर्विस रोड जो है ये पूरा आप लोग देख सकते हैं घूम रहा है, पूरा ये घूम रहा है। और अब नाले की भी सफाई का भी काम जारी है, हर जगह नाले की सफाई का काम करा जा रहा है। ये आगे तक जा रहा है महमूदाबाद कयूमाबाद तक, जो कि मैं आप लोगों को एंड पॉइंट दिखाता हूँ। मेरी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा एंड पॉइंट के पर जो काम हो रहा है वो भी आप लोग देख चुके हैं। और अब मैं आप लोगों को इधर का जो एक और नक्शा है वो आप लोगों को ब्रीफ करता चलूँ कि ये जो पार्क है ग्राउंड था ये, लेकिन अब इसकी सिचुएशन बहुत बुरी हो चुकी है कोविड की वजह से। और आप लोग ये देख सकते हैं इस दीवार को जो बाउंड्री को ये बनाया जा रहा है, और अभी इस पर काम जारी है और तेज़ी से काम करा जा रहा है। इसकी बाउंड्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा समझ लें कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि ये बारिश का पानी का बहाव ये नहीं वो कर सकती, क्योंकि ये गिर जाएंगी। अगर ज़्यादा पानी का बहाव जो कि हिल पार्क से होता हुआ आ रहा है वो अगर यहाँ पर आएगा और स्पीड में, तो ये दीवारें जो है वो मज़बूत नहीं है, बहुत पुरानी दीवारें खड़ी हुई हैं। तो इस वजह से इसके नाले को साफ भी करेंगे और इसके बाद जो है वो दीवारें भी बनाएंगे। तो हम आगे चलते हैं और आगे भी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं जो कि इधर के रिहायशी हैं, उनसे भी हम चीज़ें मालूम लेते हैं। तो आए मेरे साथ। वैसे तो मैं बनाता हूँ एक्सप्रेस के लिए बनाता हूँ, लेकिन ये मैं सोशल मीडिया के लिए बना रहा हूँ अपने चैनल के लिए। आप वहीं खड़े थे ना अभी थोड़ी देर पहले। पानी इधर नहीं जाएगा, पानी से निकल ये लड़का आ गया, तेरा दोस्त खड़ा सामने। वो कौन है पहचान? मास्टर आई है। अभी हुई है सफाई? बनाई तो ब्लॉक था ना बिल्कुल, बहुत माल निकला था। पानी हो चल ही नहीं रहा होगा, पानी हो क्या ऐसा था वैसे। जी जी, बेहतर हो गया। अब कल इन्होंने पुल छोड़ा है तो पुल का भी मलबा वही नीचे डाल दिया, गिर गया अंदर। अच्छा जी, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो वॉल्स हैं इनके ऊपर काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से काम करा जा रहा है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट के काम हुए, उसके बाद नाले के कंस्ट्रक्शन के हवाले से काम हुए, बहुत सारे काम हो रहे हैं कराची में, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ के रिहायशी हम इनसे सारी चीज़ें पूछते हैं कि यहाँ पर ये आप कब से हैं सर? मेरी पैदाइश यहीं की है। अच्छा, और ये जो आप ग्राउंड का काम देख रहे हैं, मैं इसमें ऑफिशियली मेंबर भी हूँ। अच्छा, ये महमूदाबाद ग्रीन फुटबॉल क्लब के नाम से रजिस्टर्ड ग्राउंड है ये। अच्छा, लेकिन सर अभी तो इसकी हालत ग्राउंड की तो नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे ही लोगों की गलतियाँ और कोताहियाँ, जिसमें मैं भी अपने आप को कसूरवार ठहराऊंगा, क्योंकि मैं भी इस शहर का एक छोटा सा शहरी हूँ, क्योंकि ये नाला मैंने ही कचरा फेंकने से बंद किया, सही है। और ये मेरे घर की आप यहाँ देख रहे होंगे कि कोई भी सीधी नहीं है, बिल्कुल सही है। ये जो रोड था नाले के साथ, ये हमने कब्जा करके लोगों ने सबने आगे कर दिया। तो जब अब बुरा वक्त आता है या कुदरती कोई आफत आती है, तो आप देखते होंगे कि यहाँ पर ट्रक या एम्बुलेंस आने की भी जगह नहीं है, बिल्कुल। तो फिर उस पर हम सारा मलबा जो है वो बआसानी दूसरों पर डालते हैं कि यार ये सरकार अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं है। हम जितना हो सकते हैं अपनी मदद आपके तो ये काम करते भी हैं, करवाते भी हैं। तो ये जो आप ग्राउंड का काम देख रहे हैं, ये बेसिकली ग्राउंड ऐसा नहीं था, ये माशाल्लाह से हरा भरा था। इस पर सालाना ऑल कराची टूर्नामेंट होते थे, जहाँ 21-21 55-55 टीमें
नाइट मैच डे मैच खेला करती थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी खेलती थी, लेकिन अभी कोविड की वजह से हमने लास्ट टाइम अपना ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर सके। लेकिन इंशाल्लाह अब ये कोविड की सूरत सही हो गई है तो ये मजीद ग्राउंड को अच्छा करके करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, ये जो नाला है बेसिकली आपको पता होगा हील पार्क और उसके बैक से जितना ये नाला कटता हुआ आ रहा है वो पहाड़ी इलाका है, पानी का प्रेशर गिरता है यहाँ उमर कॉलोनी नर्सरी से, ठीक है, चारा फैसल, जब ये उमर कॉलोनी से होता हुआ यहाँ पर नर्सरी कराची एडमिन से होता हुआ यहाँ गिरता है तो उसका एक लहर गिरती है आपकी ये इस तरफ से पुल के नीचे वाली साइड से जो इसके साथ पुलिया के होते हुए यहाँ आके गिरती है। अच्छा, तो ये दो रूट बनते हैं नाले के, ये एक मेन ये गली, ठीक है। अच्छा, इस गली से जब पानी का बहाव तेज होता है तो वो सारा इस नाले में आ जाता था। अच्छा, क्योंकि नाला था डीप। अच्छा, मुसलसल बारिशों की वजह से जितनी नाले की मट्टी थी वो सारी ग्राउंड में चली जाती थी, ठीक है, और नाला खाली हो जाता। ये जो इतना नीचे हुआ है इसकी बहुत सारी मट्टी ग्राउंड में चली गई है। अच्छा, ये जो ग्राउंड, हाँ ये ग्राउंड, वरना ये ऊंचा दिखा है ये इस वजह से मलबा डलवाया है कि ये मलबा डल के ये ग्राउंड ऊंचा हो जाएगा, ठीक है, ऊंचा होने के बाद इसके ऊपर मट्टी डल जाएगी जिसपे आप फुटबॉल बासानी फुटबॉल खेल सकेंगे। अच्छा, ये पोल्स भी लगे हुए फुटबॉल के, सब अभी हमने पोल निकाले, यहाँ तकरीबन तीन पोल थे ये हमने निकाले। हाँ, एक मैं आपको एक बात बावर करवा दूं कि यहाँ पर डीसी साहब है मोहम्मद अली शाह, एमसी साहब है शुएब मलिक साहब, माजरत के साथ सरकार कोई काम नहीं करती। आप उनके पास अभी भी देखें महमूदाबाद ग्रीन के नाम से मेरे पास भी एप्लीकेशन पड़ी हैं, उनके ऑफिस में भी पड़ी हैं, उनको कहा यार ग्राउंड की लाइटें सही करा दूँ, उनको कहा कि ग्राउंड में मट्टी डलवा दूँ, लेकिन उनके कान पे जू भी नहीं देखती। सर, ये एक ग्राउंड नहीं है जिसकी ये सिचुएशन है, कराची में ऐसे कई सौ ग्राउंड हैं जिसकी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है। अच्छा, मैं आपको एक ताज़ा सी मिसाल दे दूँ, क्योंकि हमारे यहाँ वो उर्दू बोलने वाले बड़ा एक नारा लगाते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो गई। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची में पैदा हुआ हूँ, उर्दू बोलने वाला हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं आपको एक बताऊं, आप ये देख रहे होंगे ये इंक्रोचमेंट हो रही है। जी सही है, इंक्रोचमेंट सरकारी लोग करते हैं या सियासी लोग करते हैं? सर, सरकारी सरकारी लोग करते हैं ना। अब उस सरकारी लोगों में अगर एमक्यूएम के जिम्मेदार वाइस चेयरमैन, इलेक्टेड वाइस चेयरमैन खड़ा हुआ है, उसका क्या काम है वहाँ खड़ा हुआ? कोई काम नहीं। कहने को अगर वो पीपल्स पार्टी भी कराती है या जो भी कराती है उसका नुमाइंदा खड़ा हो ना, लेकिन नहीं, एमक्यूएम खड़ी हो रही क्यों? मतलब आप बताना चाह रहे हो कि इदारों में हमारा असर और रसूख है, आप ये हमें जताना चाह रहे हो कि हम चाहेंगे तो सफाई करेंगे, हम चाहेंगे तो इस मुल्क को हम गंदा ही छोड़ देंगे। आप देखें केएमसी में कौन लोग भरे हुए, यही भरे हुए माशाल्लाह। आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में चले जाएं, कौन है? आप डीएमसी में चले जाएं, जिला कौनसे, जहां भी जाएंगे आपको ये लोग मिलेंगे, लेकिन जब काम की बात आएंगी तो ये इनसे बड़ा मोहताज ही कोई नहीं है। फंड्स का सबसे बड़ा इशू होना है। आपको पता है जब मेयर वसीम अख्तर आखिरी दिन गुजार के गए तो उन्होंने कितने करोड़ के बिल पास किए थे, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल, वो नॉलेज मेरे पास है। बिल्कुल, तो ये इनके सारे काम सीधे, आप इनके गलियों में जाएं, इनके इलाकों में जाएं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएं, ये लोग करते हैं तफरीक की सियासत। हमारे यहाँ से सीट नहीं है, हमारा यहाँ से कोई चेयरमैन नहीं जीता एमक्यूएम, और माजरत के साथ किसी हमारी, मैं बोलूँ मेरी पार्टी का नहीं जीता, यहाँ पर जीते हैं एमक्यूएम, यहाँ वाइस चेयरमैन एमक्यूएम, लेकिन हाल ऐसा है कि बाबा क्यों, ये हमारे वोटर नहीं है, हम इनका काम नहीं करेंगे ना। मैं कुछ भी है, मैं पीपल्स पार्टी को इस बात पर सलूट करूंगा, उस बिचारी की दिन रात मट्टी प्लीट करते हैं, लेकिन उसके पास जाओ ना अर्जी लेके, वो लेट जरूर है लेकिन फकीर, वो बोलते हैं अंधेर नहीं है वहाँ पर। बिल्कुल, हो जाता है। अब इतना बड़ा शहर है, अब मैं बोलूँ मुराद अली शाह हर जगह पहुँच जाए तो नहीं पहुँच सकता। अच्छा, असल में सर, अगर हम ये पार्टीज को साइड में रखते हुए अपने मुल्क को, कराची को अपना समझते हुए काम करें तो फिर क्यों नहीं होगा? देखिए, ये तो फर्ज है ना। अभी देखिए, नाले से कचरा साफ हुआ, हम अब ये जितने भी ये स्ट्रीट वाले, हमने बोला भाई यहाँ पर आप एक काम करें, इधर रो बनाए, कचरा यहाँ लगाते जाएं, इस पुलिया पे रखें और ऐसे रो बनाते जाएं, ठीक है, डस्टबिन रख लें। अच्छा, डस्टबिन के लिए भी मैंने बोला, यहाँ पर हमारे हैं आमिर अब्बास, इंस्पेक्टर हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के। अच्छा, उसको बोले हुए भी एक हफ्ता हो गया है मुझे, सही है, एक हफ्ता हो गया, मैंने खुद कॉल किया कि भाईजान हमें वहाँ डस्टबिन दे दो ताकि हम नाले को सेव कर सकें। हाँ, मैं रखवा रहा हूँ, मतलब मुझे पता है कि छोटे नालों में वो डस्टबिन कौन फेंकता है, नाला ब्लॉक हो जाए, ठीक है, वो भी आपने देखा होगा पिछले बारिशों में जो पेनाफ्लेक्सेस निकलते, डस्टबिन निकलते, पत्थर ब्लॉक्स, चूना, सीमेंट की बोरी, मतलब कौन है वो लोग? आपको पता है कि आपके घर की मेन लाइन की कनेक्शन कहाँ से जा रही है? मुझे आज तक इतनी उम्र हो गई, मुझे तो नहीं पता मेरी मेन लाइन कहाँ पर, आपको भी नहीं पता होगा, तो फिर वहाँ पर ऐसी कार्रवाई कौन करता है? ये कराची की आवाम को सोचना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर हाथ रख के तुम्हारा को कोई हक नहीं दे रहा, वो अपने अपनी खिलौनी साजिश
चलने के लिए आपको इस्तेमाल करो, आप इस्तेमाल ना हो, बिल्कुल बस मैं तो इतनी सी बात। थैंक यू सो मच सर, आपने गाइड करा। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो कचरा है ये हम लोगों को खुद ही साफ करना है, हम लोग के खुद जो डस्टबिन रखी जाती हैं उसके ऊपर डस्टबिन में कचरा हमने खुद डालना है, ये नहीं कि हमें जहाँ जगह मिलती है हम वहीं पर ही कचरा फेंक देते हैं। तो सिचुएशन ये होती है कि बारिशों में इंसानी जानें ज़ाया होती हैं, लोग कहाँ कहाँ से अपने चीज़ों का ज़ाया करते हैं, गाड़ियाँ डूब जाती हैं। तो मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर करूँगा, और मैंने आप लोगों को आज महमूदाबाद वहाँ से जाओ कयूमाबाद से अपडेट करता था, लेकिन आज मैंने कहा कि अंदर की साइड पर जो एजुकेटर का इंक्रोचमेंट करी गई थी तो वहाँ की मैं आप लोगों को वीडियो दिखाई जाए, उसको भी पूरा कवर करा जाए, और जो जो काम यहाँ पर चल रहे हैं वो भी आप लोगों को दिखाया जाए। लास्ट टाइम मैं आप लोगों को पूरा एंड तक ही दिखाता था, लेकिन अब जो है मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करा है मैंने, और आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ। आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, और फेसबुक पर जो देख रहे हैं वो यूट्यूब पर भी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फ़ियाम अनिल्ला, अल्लाह हाफिज़।